अभी इसने पानी ठोक दी थी मेरी, सॉरी नहीं बोल रही है, फिर भी कह रही मेरी गलती नहीं है। आप देख सकते 40 से ऊपर भगा दी गई इसने। कुछ नहीं आई, खाली बोल रही है। अरे सच में मेरे को दया आ गई यार, इसने मैंने बोला जबरदस्ती छीनी मैंने। इसने मेरे को चाय समोसे भी खिलाए और थोड़े से अपने उसमें छोले भटूरे भी खाए, पूरे एक खाया ना। मेरे को तो BMW लग रही है। यह सेट वेट का वैक्स कमाल। तो यार आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं, सुबह के 9:30 यार उठने में काफी लेट हो चुकी है क्योंकि आजकल रात को काफी देर में सो रहा हूँ, एडिटिंग वगैरह करना है और एग्जाम की तैयारी करनी है, तो इसलिए सोते सोते लेट हो जा रही है। तो अभी मैं आया हूँ अपने कमरे से बाहर आंगन में क्योंकि यार ठंड का सीजन है, तो आपको पता ही है विटामिन डी लेने का अलग ही मजा आता है ठंड में। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं है, तो नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह कुक करता हूँ। तो दूध लेके आना मार्केट से, सबसे पहले दूध ले आता हूँ, फिर चाय बनाऊंगा। तो आज चाय और पराठे खाऊंगा नाश्ते में। तो गाइस ये रहा अपना ब्रेकफास्ट, चाय और पराठा। तो जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट। तो गाइस फाइनली यार ब्रेकफास्ट हो चुका है और चाय और पराठे काफी टेस्टी हो रहे थे। गाइस थोड़ा स्टडी वगैरह कर लेते हैं, आज छुट्टी है और आज मैथ्स का कबड्डी जो कि यार कॉलेज में हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बीच में अगर टाइम मिलेगा तो कॉलेज में एक बार कबड्डी टूर्नामेंट भी देख के आऊँ। तो गाइस यार फाइनली चल रही है पढ़ाई, वो भी धूप में बैठ के, और काफी मजा आ रहा है यार धूप में पढ़ने में ना, मतलब अंदर काफी ठंड हो रही थी इसलिए बाहर आ गया और चटाई लेके आ रहा हूँ, तखत बाहर लगाई हुआ था तो दीदी ने ना सारी फैसिलिटी दे रखी है। फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ यार क्योंकि काफी देर से बाहर बैठा हुआ था, तो अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ फिर जाके फिर से थोड़ा पढ़ूंगा क्योंकि एग्जाम आने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो थोड़ा उसके बाद शाम को या थोड़ी देर बाद मैं सोच रहा हूँ कॉलेज का एक चक्कर मारा हूँ क्योंकि मेंस कबड्डी मैच चल रहा है, तो थोड़ा देख के आऊंगा, थोड़ा आप लोगों के लिए भी शूट करूंगा। फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी यार क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी कबड्डी मैच देखने कॉलेज का, तो मैंने सोनू को ही बोला है कि वो भी चले, तो उसकी छुट्टी है तो शायद वो आ रही है, तो उसने वेट करने के लिए बोला है। फिलहाल सोनू ने भी हमें कर लिया ज्वाइन, काफी दिनों बाद ब्लॉग में आ रही है क्योंकि गाइस मेरी तबीयत खराब थी, मैं बुखार से बिल्कुल परेस था। अब ठीक है? अब ठीक है, तभी तो आगे ब्लॉग में। तो सोनू इज बैक, सोनू इज बैक, तो कमेंट करके बोलना साहब भी सोनू इज बैक गाइस। तो फिर अभी हम चलते सीधे कबड्डी मैच देखने। आज तो कबड्डी मैच देख रहा हूँ लाइव, अच्छा लगता है कबड्डी? बहुत अच्छा। खेलते भी हो? हाँ स्कूल टाइम में खेला था। तो यार सीधे निकलते हैं, करती थी ना। तो बस ये है कि हमारे जाने तक कहीं मैच खत्म ना हो जाए क्योंकि हम जा रहे हैं करीब 1:30 बजे जा रहे हैं हम, तो मिलते हैं सीधे कॉलेज में और सोनू आज मेरा कॉलेज भी देखेगी मेरा कॉलेज कैसा है। तो गाइस मैं सोनू को ले आऊंगा अपने कॉलेज, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अंदर पहली बार देख रही कॉलेज का। तो भाई पहले बार आ रखे तो पहली बार ही तो देखोगे। ठीक है वही बोल रही हूँ मैं। तो यार अभी चल रहा है ग्राउंड में वार्म अप, आपको दिखाते हैं कि कैसे बच्चे वार्म अप कर रहे हैं। यहाँ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। उधर सबसे कोने पे चल रहा है वार्म अप कबड्डी का, तो अभी पास से जाके दिखाएंगे आपको। फिलहाल अभी हम खड़े हुए हैं क्योंकि मैच कोई भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमने सोचा वहाँ पर जाके अभी कोई फायदा नहीं है। तो गाइस अभी चल रहा है वार्म अप, देखो वार्म अप चल रहा है और वहाँ पे लाइन छू रहे हैं। अभी कैप्टन आएंगे, दोनों टीम के कैप्टन आएंगे, फिर उसके फिर टॉस करेगी, पहले रेड कौन करेगा और उसमें डिफेंड कौन करेगा करके। बहुत ही अच्छा कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर देखना चाहेंगे कि पॉइंट अपनी टीम को दिला पाएंगे श्रीनगर की टीम, और बहुत ही शानदार तरीके से कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर डिफेंस की कोशिश रहेगी, कोशिश की लेकिन नहीं। गाइस यहाँ पे श्रीनगर की टीम जीत चुकी है। यहाँ चल रहा है वार्म अप, हमारे कॉलेज की टीम यहाँ पर खेल रही है और वो रही विपक्ष की टीम और ये रही अपने कॉलेज की टीम। क्या जोरदार एंट्री है, क्या जोरदार स्वागत है, एक बार दोबारा तालियों के साथ स्वागत है। खुशी नहीं हो रही है मेरे को तो श्रीनगर की टीम में खुशी भी ज्यादा। बस स्वागत के लिए निकलो सीधे यहाँ से, हमारे कैंपस में हमारी टीम का अप्रिशिएट नहीं कर रहे फालतू में, क्या फायदा। फाइनली हम कॉलेज से बाहर आ रहे हैं क्योंकि मैच हो चुका है खत्म। अपनी कॉलेज की टीम जीत गई तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। तो श्रीनगर की टीम अच्छी लगी। हाँ उनका गेम अच्छा था श्रीनगर का। तो गाइस फिलहाल सोनू चला रही है स्कूटी और गाइस मैं पहली बार चला रहा हूँ स्कूटी। आगे देखो आगे। गाइस ये हमारी हायाबुसा है। ओ भाई क्या बोल दिया ये? हायाबुसा तो निंजा है। मेरे को तो BMW लग रही है। हम खाने हैं यहाँ पे समोसे। क्या खाने आ गए? समोसे। ओ नो,
तुम्हारी पार्टी है ना, तुम्हें मैं कॉलेज ले गया मैच दिखाने। ये मेरे से पार्टी ले रहे हैं क्योंकि ये मुझे मैच दिखाने ले गए थे, इसलिए पार्टी ले रहे हैं मुझसे। देखिए ऐसे इंसानों को ध्यान से देखिए। टिकट तो मैंने दिया था अंदर जाने का, एंट्री का टिकट भी नहीं पड़ा, खाली झूठ बोल रहे हैं। कोई टिकट नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं छोले समोसे सिर्फ समोसे। अच्छा समोसे चाय पीते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली मेरा आ चुका है यहाँ पे छोले भटूरे। आधा दे देना यार। हाँ दे दूंगी। गाइस ये थी वो जगह जहाँ हमने अभी पार्टी की, हमने की पार्टी कबड्डी देखने के चक्कर में पार्टी देनी पड़ी मेरे को आज। ओह शिट। तो गाइस फाइनली इसको सोनी फिर से चला रही है स्कूटी। सोनी स्कूटी से चला रही है ना, इसने मुझे पार्टी कराई तो मेरे को दया आ गई। मैंने कहा फिर से चलो इसको स्कूटी चलाने दे देता हूं। कुछ नहीं आई, खाली बोल रही है। अरे सच में मेरे को दया आ गई यार, इसने मैंने बोला जबरदस्ती छीनी मैंने। इसने मेरे को चाय समोसे भी खिलाए और थोड़े से अपने उसमें छोले भटूरे भी खिलाए। पूरा एक खाया उन्होंने, पूरा नहीं खाया। तो गाइज ये बिहाइंड द सीन था, आपने देखा अभी इसने गाड़ी, ये सब रिकॉर्ड हो गया गाइज। अब ये कह रही है डालने वाले एक्टा पड़ जाएगा, एक्टा तुम्हारे मुंह में पड़ेगा सीधे। देख सकते अभी इसने गाड़ी ठोक दी थी मेरी, सॉरी नहीं बोल रही है, फिर भी कह रही मेरी गलती नहीं है। आप देख सकते 40 से ऊपर भगा दी गाइज इसने। तो भाई वही गुस्से में। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका अपने कमरे पे और आज आपने देखा सोनू ने भी स्कूटी चलाई, सीख गई है स्कूटी। और उसने ज्यादा अभी राइड ली नहीं है लेकिन वो फिर भी बहुत जल्दी सीख गई है क्योंकि उसका मन है ना, जिसका मन होता है अंदर से वो चीज जल्दी आ जाती है। तो आज हमने देखा कबड्डी मैच और हमारी कॉलेज की टीम गाइस जीत चुकी है। तो अभी फिलहाल यार इस ब्लॉग को अभी कंटिन्यू करेंगे आगे को, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा पढ़ूंगा। फाइनली यार मैंने ये गाड़ी पूरी तैयार कर दी है, मैंने और भैया ने मिलकर करी है क्योंकि आज दीदी की वहाँ है, दीदी की बहन की शादी, तो वो लोग गए सब सेलाकुई की तरफ को। तो मैंने और भैया ने मिलके पीछे पूरी गाड़ी डेकोरेट कर दी, आप देख सकते हो। कमेंट करके बताना कि यार शादी में ऐसी गाड़ी डेकोरेट अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं बहुत प्यारी लग रही है यार, क्रेटा का न्यू वर्जन है और पूरा डेकोरेट करके तो और प्यारा लग रहा है। ये है सैमू, हमारी जो लैंडलॉर्ड है उनका छोटा वाला बेटा, एक बड़ी बेटी है उनकी। तो ये तैयार हो चुका है, इसकी मौसी की शादी है। मौसी की शादी का है सेलाकुई में। तो यार काफी स्मार्ट लग रहा है, देख सकते हैं पूरा ब्लेजर ब्लेजर पहन के तैयार हो गया। और बताओ कुछ शादी में क्या करने वाले हो आज? गोलगप्पे खाएंगे। गोलगप्पे नहीं करोगे? डांस करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। बारात कहाँ से आ रही है? बारात पता नहीं। तो गाइस जो भी ब्लॉग देख रहा है ये आपको लोकेशन बता देगा, वहाँ पहुँच जाना खाना खाने के लिए। लोकेशन बता दो। सेलाकुई में जो मेन गली है उसके अंदर जाके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में गली है, उसके अपोजिट साइड में। जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है वो आ जाएगा वहाँ पर। आने दो। अब भीड़ ज्यादा हो गई, खाना खत्म हो गया, फिर आप भगा दोगे उनको सबको? भगा दोगे? नहीं उनसे कहना प्लेट धो फिर। तो ये है सेट वेट का वैक्स, तो मैं सैमू के बालों पे लगाने वाला हूँ ताकि ये हीरो लगे, ये जब से शादी पे जाए और जब तक शादी खत्म ना हो तब तक हीरो लगे। तो गाइस आप भी यूज कर सकते हो सेट वेट का वैक्स, इससे बाल ना काफी हार्ड रहते हैं और जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं। गाइस सैमू मेरे कमरे पे आया था और ये हो चुका है बिल्कुल रेडी, अभी आपको दिखाते हैं। तो यार छठी मैया का यहाँ प्रसाद आ चुका है जो कि एक दीदी रहती है बगल में, उन्होंने दिया। तो जय हो छठी मैया। और सारे बिहारी जो मेरे भाई बहन है उनको मैं छठ पूजा की बधाई नहीं दे पाया, तो आपको सभी बिलेटेड छठी पूजा की बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं और छठी मैया का आशीर्वाद सबके परिवार में बना रहे। तो यार प्रसाद देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखो अब कैसा लग रहा है सैमू, इससे पहले कैसा लग रहा था और मैंने कर दिया पूरा रेडी, पूरा वैक्स वैक्स लगा के। यार यह सेट वैक्स का वैक्स कमाल। तो यार आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं, थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच, आप हमसे तैयार होने के लिए आए और अब मैं बन चुका हूँ नेगी सैलून वाला। हे गाइस तो अभी बज रहा है रात के 8 और आज का पूरा दिनचर्या ना पूरा शेड्यूल जो था वो पूरा बिजी था लेकिन काफी एंजॉय किया आज। और कबड्डी मैच तो मुझे काफी मतलब इतना अच्छा लगा ना, और सोनू ने जो स्कूटी चलाई ना, मतलब उसको तो नहीं बोला मैंने लेकिन मन मन में काफी खुश हुआ कि यार स्कूटी सीख गई है, कभी मैं घर से आऊं और मुझे लेके आना हो या स्टेशन वगैरह, कभी मुझे स्टेशन छोड़ना हो तो इतना वो कर सकती। रात को आओ या कभी सुबह आओ तो ऑटो ऑटो नहीं मिलते और ऑटो वाले बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, 300-400 रुपए ले लेते हैं। तो अब सोनू 50 रुपए का तेल डालेगी और मुझे लेके और छोड़ के तो आ सकती है गाइस। तो अभी क्या करना है, अभी जल्दी से मैंने पढ़ाई वढ़ाई करनी है, डिनर वगैरह प्रिपेयर करना है। तो यार इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं गाइस। बी सेफ एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल।